वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। और वीर सावरकर भारत इतिहास के महानायक थे, हैं और भविष्य में भी वह महानायक रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। सावरकर एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। वो एक चिंगारी नहीं है, वह एक अंगार है। वो सीमित नहीं है बल्कि वह एक विस्तार है। एक कहावत है कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता तब तक शिकारी महान बना रहेगा। और वीर सावरकर जी के जीवन की कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताई गई जो एक खास विचारधारा से प्रभावित थे अथवा एक खास विचारधारा के लोग थे। इसलिए हमारे देश में एक बड़ा तबका वीर सावरकर के जीवन यात्रा को, उनकी विचारधारा को न तो सही तरीके से समझ पाया है और न उनकी देशभक्त उनके महान व्यक्तित्व को समझने की उसने कोशिश की है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके महान व्यक्तित्व और उनकी देशभक्ति से वो अपरिचित रहा है। पर मुझे बेहद खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में वीर सावरकर जी के जीवन पर कुछ लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, अच्छा शोध कार्य भी किया है और एक ईमानदार विश्लेषण भी उन्होंने किया है, जिसका नतीजा यह है कि आज वीर सावरकर के जीवन पर कुछ अच्छी और शोधपरक किताबें हम लोगों को पढ़ने को अब मिल जाती हैं। और मैं आशा करता हूं कि यह किताब भी इस श्रृंखला में एक वैल्यूएबल एडिशन बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि जो हमारे राष्ट्रनायक हैं उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लेकर आप एक वाद प्रतिवाद यह तो कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी हो सकती है, मगर उन्हें एक हेय दृष्टि से देखना, किसी भी सूरत में इसे उचित नहीं कहा जा सकता, किसी भी सूरत में इसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता। वीर सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उन्होंने किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अनदेखा करना, अपमानित करना, यह एक ऐसा काम है जिसे मैं मानता हूं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। और वीर सावरकर भारत इतिहास के महानायक थे, हैं और भविष्य में भी वह महानायक रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप खुद सोचिए कि देश को आजाद कराने का उनका इरादा कितना मजबूत रहा होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें एक नहीं बल्कि दो दो बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगाने की, कुछ लोगों की विशेष विचारधारा से प्रभावित होने के कारण की जाती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने कहा था, सावरकर का मतलब यह होता है तेज, सावरकर का मतलब यह होता है त्याग, सावरकर का मतलब यह होता है तप, सावरकर का मतलब यह होता है तारुण्य और सावरकर का मतलब यह होता है तर्क। मैंने कभी भी सावरकर जी ने यह नहीं कहा कि हमारी बातों को आप मानने के लिए मजबूर हो, किसी को कंपेल किया हो, नहीं, डिस्कशंस में तर्क में भी सावरकर जी का विश्वास रहा है, ऐसे भी दृष्टांत पढ़ने को मिलते हैं। उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सावरकर एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। वह एक चिंगारी नहीं है, वह एक अंगार है। वह सीमित नहीं है बल्कि वह एक विस्तार है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सावरकर जी के बारे में कहा। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।